कि मैया सबके दर्शन देली मनोहर साही के। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 3 दिवसीय मैनपाट्स महोत्सव जारी है, जहां भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव भी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे थे, लेकिन उनके कार्यक्रम के दौरान मंच पर भगदड़ मच गई और पुलिस को लाठी चार्ज कर मामला शांत करना पड़ा। आधी रात जब खेसारी लाल यादव मंच से अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, इसी बीच दर्शकों में अति उत्साह देखने को मिला, जिससे पुलिस ने उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझाया, लेकिन इसी बीच दर्शकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। दरअसल भोजपुरी कलाकार मंच पर बैठे हुए थे, उसी दौरान फैंस उनसे मिलने के लिए सुरक्षा को तोड़ते हुए मंच पर चढ़ गए, इसी कारण कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। सरगुजा में 12 फरवरी से 14 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में जनता की भीड़ लग गई। कार्यक्रम अच्छी तरह चल ही रहा था कि कुछ दर्शक सुरक्षा तोड़ते हुए अपने चहेते कलाकार से मिलने जा पहुंचे। पुलिस ने खेसारी लाल को सुरक्षा दी, जिसके बाद भोजपुरी एक्टर कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर अपने होटल की ओर चल दिए। भोजपुरी एक्टर के कार्यक्रम में महिला और पुरुष दर्शकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन भगदड़ को कंट्रोल करने में पुलिस ने स्टेज के आगे बैठे दर्शकों पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज और हंगामे में कुछ महिला और पुरुष दर्शकों को गंभीर चोटें आईं। बताया गया है कि भगदड़ मचते ही जिम्मेदार अधिकारी भी घटनास्थल से भागते हुए नजर आए, वहीं पुलिस बल ने मामले को नियंत्रण में लिया। इस दौरान दर्शकों ने पुलिस पर कुर्सियां भी फेंकी, जवाब में पुलिस ने भी दर्शकों पर कुर्सियां फेंकी। मामले की जानकारी लगते ही अंबिकापुर SDM अजय त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया। लाठी चार्ज के दौरान खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रस्तुति रोक कर मंच से ही पुलिस वालों को लाठी चार्ज न करने का निवेदन किया और अपनी प्रस्तुति रोक कर वह चले गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 फरवरी को सरगुजा पहुंचे थे, जहां उन्होंने महोत्सव की शुरुआत करने के बाद कहा था कि महोत्सव सरगुजिहा भोजपुरी तिब्बती संस्कृति के मिलाप का महोत्सव है। यहां का बौद्ध मंदिर अपने आप में ही अनोखा है। वहीं खेतों में लाल और बैंगनी आलू देखकर आज भी आश्चर्य होता है।